सेना। दिल्ली में एक लड़की के मर्डर की दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। शाबाद डेयरी इलाके में 16 साल की साक्षी की चाकू से गोदकर साहिल नाम के सिरफिरे ने हत्या कर दी। 20 सड़क पर यह वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। चाकू मारने के बाद साहिल फरार हो गया है। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दिल्ली पुलिस के मुताबिक साहिल और साक्षी की दोस्ती थी, लेकिन कल उनका किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया था। साक्षी जब अपनी सहेली नीतू के बेटे के बर्थडे पार्टी में जा रही थी, इसी बीच साहिल ने साक्षी को रास्ते में रोका और चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिए। इससे भी जब मन नहीं भरा तो साहिल ने पत्थर से कुचल दिया। फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि आरोपी साहिल लड़की को चाकू से गोद रहा है। गली में लोग आते जाते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कोई भी बीच बचाव करने को तैयार नहीं हुआ। शंकर आनंद हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। शंकर आनंद, जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, दिल दहलाने वाली घटना है और सवाल यह है कि आते जाते लोग भी नजर आ रहे हैं, लेकिन कोई भी इस सिरफिरे को रोकने की कोशिश नहीं करता है। चाकू से ताबड़तोड़ ये शख्स वार करता रहता है और उसकी बच्ची की मौत हो जाती है। फिलहाल पुलिस अब एक्शन के रूप में क्या करती हुई नजर आ रही है? निश्चित तौर पर देखिए, बेहद दर्दनाक घटना कहा जा सकता है और हैवानियत का जो ये मामला है, इस हैवानियत मामले को देखा जा सकता है कि आरोपी साहिल के द्वारा किस तरह से अपने प्रेमिका पर चाकू से गोद कर उसकी हत्या की जाती है। तकरीबन 20 से ज्यादा बार वार किया जाता है और लड़की पर तब तक वार किया जाता है जब तक उसकी मौत मौके पर नहीं हो जाती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आसपास में काफी लोग मौजूद होते हैं और कहा जाता है दिल्ली को कहा जाता है दिल वालों की दिल्ली कहा जाता है, लेकिन कहीं कहीं ये सवाल जो है, एक जो शब्द है वो बेमानी सा नजर आता है, क्योंकि वहां पर काफी लोग खड़े होते हैं, मौजूद होते हैं, लेकिन कोई भी शख्स उस आरोपी को ना रोकता है ना टोकता है। और आरोपी क्या करता है कि उस वक्त में ताबड़तोड़ हमला करते हुए उस लड़की की हत्या कर देता है। तो इस मामले की गंभीरता को देखते हुए अब पुलिस की टीम आगे तफ्तीश कर रही है और आगे तफ्तीश करते हुए अब इस मामले में अलग अलग लोकेशन पर कई टीम का गठन करके मौके पर आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए भेज चुकी है और पुलिस का कहना है कि देर शाम तक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा। शंकर, लेकिन यहाँ कुछ वजह समाज में आई है कि आखिरकार ऐसा दोनों के बीच में क्या हुआ कि इतनी निर्मम तरीके से उसने अपने दोस्त की हत्या कर दी? जहां तक देखिए, हमारे दिल्ली पुलिस के सूत्र बताते हैं कि यहाँ पर प्रेम प्रसंग का मसला है और जो लड़की है, मृतक लड़की है, वो काफी दिनों से अपने घर में भी नहीं रह रही थी, वो अपने सहेली के घर में रह रही थी और इस बात को लेकर लड़की के परिजन भी उस लड़की से नाराज थे। और लड़की का सबसे पहले किसी अन्य लड़के के साथ में जान पहचान होता है, उससे बातचीत होती है, उसके बाद वो साहिल की एंट्री होती है, साहिल को छोड़ करके फिर वो जो पुराना लड़का होता है उससे उसकी बातचीत हो रही होती है। तो ये बात जो है साहिल को नागवार गुजरता है और साहिल जो है इसी बात को लेकर गुस्से में आकर के इससे लड़की के साथ में लड़ाई करता है, अनबन होती है और गुस्से में आकर उस पर चाकू से वार करके और पत्थर से हमला करके उस लड़की की हत्या कर देता है। तो यहाँ पर जो मसला है, एक ऐसा लग रहा है कि सिर्फ एक ताव में आके उठाएगा कदम नहीं है, क्योंकि चाकू कहां से आया साहिल के पास, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। क्या ये प्री प्लानिंग के साथ पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है? क्या समझ में आ रहा है पुलिस को अब तक? निश्चित तौर पे देखिए, यहाँ पर एक सोची समझी साजिश के तहत ही इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया, क्योंकि साहिल पहले से ही प्लान बनाकर आया था कि उस लड़की की हत्या करना है और अपने साथ में चाकू लेके आया था। हालांकि साहिल की अगर बात करें तो साहिल जो है पेशे से मैकेनिक है, वो फ्रिज एसी बनाने और रिपेयरिंग करने का काम करता है और वो पहले से ही मन बना के रखा था कि उसकी लड़की है उसकी हत्या करना है और इसलिए जिस मार्ग से लड़की गुजर रही होती है अचानक उसे रोका जाता है और उसके बाद रोकने के बाद उस लड़की पर ताबड़तोड़ हमला किया जाता है। बिल्कुल, सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर नजर भी आ रहा है, एक के बाद एक लगातार चाकू से वार करता रहा ये शख्स और देखिए इतने से भी नहीं मन भरा, उसके बाद पत्थरों से भी कुचलता रहा। लेकिन हैरानी की बात यह है कि दिल्ली जो दिलवालों की कही जाती है, वहां पर संवेदनहीनता की तस्वीर भी सामने आई। लोग आते जाते आपको नजर आ रहे हैं, लेकिन किसी ने भी शख्स को रोकने की टोकने की कोशिश नहीं की। शुक्रिया शंकर, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। अब देखना होगा कब तक ये शख्स गिरफ्तार होता है। लेकिन इस सबके बीच में